दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक एंड्रॉयड का असल फीचर लेके आया हूँ, जो शायद ही आप जानते होंगे। जानते हो तो बहुत अच्छे, नहीं जानते हैं जिनके लिए उनके लिए कि डेवलपर ऑप्शन होता क्या है और डेवलपर ऑप्शन फ़ोन में कैसे आता है और उसमें क्या क्या सेटिंग होती है और आप क्या क्या कर सकते हैं। मैं एके इंडिया आप सभी को अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको अपना फ़ोन का जो सेटिंग होता है उसमें आपको आना होगा। ये जो सेटिंग है, आपको सेटिंग में आना होगा। और सेटिंग में आने के बाद आपको सबसे लास्ट में, सबसे नीचे जो होता है, एक ऑप्शन देता है अबाउट फ़ोन का। ठीक है, ये अबाउट जो फ़ोन का है, आपको उसमें अंदर आना होगा। अगर आप डेवलपर ऑप्शन नहीं है तो इसमें क्या हो, अबाउट फ़ोन पर आइएगा तो आपको सबसे नीचे एक बिल्ड जो नंबर होता है, इस नंबर पर आपको क्लिक करना होगा, बिल्ड नंबर पर। और आप जैसे ही क्लिक करेंगे दो तीन बार, तो वहाँ स्टेप देगा। तीन बार क्लिक कीजिएगा तो वहाँ लिखेगा, जैसे यहाँ लिख रहा है यू नो नीड यू आर ऑलरेडी अ डेवलपर, तो वहाँ लिखेगा नाउ यू आर अ डेवलपर। तो जब डेवलपर कैसा दे देगा, तो बस आपको यहाँ से बैक होना है। और जैसे ही आप बैक होंगे तो आपको यहाँ डेवलपर ऑप्शन का आइकन दिख जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम ओपन करते हैं और इसमें क्या क्या है आज देखते हैं। इसको ओपन करने के बाद इसमें सम सेटिंग है, यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। मैंने यहाँ ऑन कर रखा है। आपको डेस्कटॉप बैकअप पासवर्ड है, स्टे अवेक है, इनेबल ब्लूटूथ, SCI स्नो प्लॉग है, OEM अनलॉकिंग है, रनिंग सर्विस है, और इसमें USB डिबगिंग है, रिवोक USB डिबगिंग ऑथराइजेशन है, और सेलेक्ट मॉक लोकेशन ऐप है, इनेबल व्यू एट्रीब्यूट इंस्पेक्शन है, और सेलेक्ट डिबग ऐप है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ इसमें सेटिंग है। और लॉग बफर साइज है, ठीक है, आप बफर इसमें कर सकते हैं कितना है क्या है। और इसमें वायरलेस डिस्प्ले सर्टिफिकेशन है, इनेबल वायलेंट वर्बोस लॉगिंग है, एग्रेसिव वायलेंट टू मोबाइल हैंडओवर है, ऑलवेज अलाउ वायलेंट रोम्स स्कैन है, यूज लेजेसी DCP क्लाइंट और समथिंग बहुत है, सो टचेस पॉइंटर लोकेशन, सो सरफेस अपडेट, सो लेआउट अबाउंड, फोर्स RTL डायरेक्शन, और इतने बहुत सारे नीचे भी बहुत सारे इसमें सेट सम सेटिंग है जो कि आपका फ़ोन को एडवांस बना देता है। चलिए आइए देखते हैं इसमें हम लोग के यूज का कौन सा चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं डेस्कटॉप बैकअप पासवर्ड। ये जो काम की चीज़ नहीं है, काम की चीज़ नहीं है। OEM अनलॉकिंग काम की चीज़ नहीं है, रनिंग सर्विस काम की चीज़ है। जो आप देखिए इसमें आपका कौन कौन सा ऐप रन कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो आपको इसमें दिखाया जाएगा। तो इसमें आप जैसे देख सकते हैं कि कौन कौन सा ऐप रन कर रहा है, इसको आप किसको किल करना है, नहीं करना है, आप यहाँ से इसको किल कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से बाहर आते हैं और रनिंग सर्विस किधर गया, हाँ, USB डिबगिंग, अगर USB आप यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर के जरिए, तो यहाँ से इसको ऑन करके डिबगिंग कर सकते हैं, रिवोक USB डिबगिंग ऑथराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, और सेलेक्ट मॉक लोकेशन ऐप, कोई ऐप का अगर लोकेशन आपको देना है तो आप इससे लोकेशन दे सकते हैं। इनेबल व्यू एट्रीब्यूट इंस्पेक्शन कोई काम की चीज़ नहीं है, सेलेक्ट डिबग ऐप ये भी कोई काम की चीज़ नहीं है। लॉक बफर साइज, जैसे आप यूट्यूब पे बफर करता है, जब चलता है तो बफरिंग करता है, आप तो 4G के जमाना है तो बफर करता नहीं है, लेकिन आप 3G का यूज़ करें कभी कभी बफर करता है, तो बफर करने के लिए 256 KB है, तो आप 64 KB भी कर सकते हैं, 1 MB भी कर सकते हैं, 4 MB भी कर सकते हैं, और 16 MB भी कर सकते हैं बफरिंग के लिए। ठीक है, अब आते हैं वायरलेस डिस्प्ले सर्टिफिकेशन, ये नेटवर्किंग के लिए। तो नेटवर्किंग के लिए ये जो ऊपर नीचे दो आपके काम की चीज़ नहीं, लेकिन एक काम की चीज़ है, वो है एग्रेसिव वायलेंट टू मोबाइल हैंडओवर। इसमें क्या है कि अगर आपका कभी डाटा जो है, मतलब वाईफाई नेटवर्क वीक है, तो आप इसको ऑन कर दीजिएगा, तो ये क्या होगा, वाईफाई का जो नेटवर्क है वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्ट्रांग मेरा हो गया, तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि ये बैटरी थोड़ा ज़्यादा लेगी। आप देख सकते हैं जैसे मैंने इसको ऑन किया, नेटवर्क बढ़ जा रहा है वाईफाई का मेरा यहाँ, और इसको ऑफ करेंगे तो ये नेटवर्क भी चला जा रहा है, यानी कि जहाँ वीक हो आप इसको ऑन करके आगे काम कर सकते हो। ठीक है, और ये सब कोई काम की चीज़ नहीं है। अगर मोबाइल डाटा ऑलवेज एक्टिवेट करना रखते हैं तो आप यहाँ से इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, वैसे इसको करना नहीं है। ये सो टचेज, जैसे आप टच करते हैं, तो जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उसमें आपको टच करने का एक पॉइंटर दिख रहा होगा, तो ये इसी के कारण ही है। अगर आपका जो पॉइंटर टच करें, पॉइंटर टच में होता है,
जो भी आप टच करोगे उसका लोकेशन ये बताएगा। जैसे आप ऊपर देख सकते हैं पूरा लोकेशन बता रहा है कहाँ कहाँ जा रहा है कौन पॉइंटर। ये तो कोई काम की चीज़ नहीं है, ज़्यादा अच्छा नहीं है। और ये अब ड्रॉइंग में आते हैं, सो सरफेस अपडेट, तो ये कोई खास है नहीं, इससे कोई काम नहीं होता। और सो लेआउट बॉन्ड्स, इसमें कुछ बस इसी तरह से, तो ज़्यादा ये वर्किंग के लिए नहीं है। और ये सबसे अच्छा जो हम मुझे लगता है एंड्रॉयड में, तो ये सबसे अच्छा ये चीज़ है फोर्स RTL लेआउट डायरेक्शन। ठीक है, जब आप इसको ऑन करेंगे तो आपका सब चीज़ उल्टा हो जाए। जैसे आप देख सकते हो सब चीज़ उल्टा हो गया, जस्ट अपोजिट, थोड़ा अपोजिट लेकिन उल्टा हो जाता है, जो आपका फ़ोन को थोड़ा स्मार्टली बना देता है। ठीक है, अब इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। और विंडोज़ एनिमेशन स्केल, आप जो भी बनाना चाहते हैं इस तरह का एक विंडोज सामने होगा आपका। ठीक है, इसमें नहीं है, इसको ऑफ कर देता हूँ। और ट्रांसमिशन एनिमेशन स्केल, तो ये जो आप ऊपर नीचे करते हो उसमें का ये ट्रांसमिशन स्केल है, तो मैं इसको वन एक्स पे कर देता हूँ। एनिमेटर इसपे क्या हो रहा है, ये ड्यूरेशन स्केल है, पता नहीं क्या है लेकिन। और ये जो है हार्डवेयर एक्सेलरेशन रेंडरिंग, हार्डवेयर से रिलेटेड है। और ये जो है ये सब जो है आपका कितना ऐप चलेगा चलेगा, ये मीडिया है, ऑडियो रूटिंग, ये सब कोई यूज़ की चीज़ नहीं है आपके लिए। और जो भी अगर आपका ऐप डिलीट करना है, बैकग्राउंड में कितना रखना है ऐप, जिससे ज़्यादा हो तो ऐप खुद से किल हो जाए, तो आप यहाँ से ये सम सेटिंग जो है आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट कितना रखना है, यहाँ से आप बैकग्राउंड लिमिट कर सकते हैं। तो ये जो कुछ सम सेटिंग था आपका फ़ोन को स्मार्टली बहुत अच्छा काम करवाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये जो मेरा वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा और आपके लिए यूजफुल हुआ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें भाई, क्योंकि बनता है, अगर किसी का काम आता है तो लाइक तो ज़रूर बनता है। और अपने फ्रेंड को भी बताइए, इसको शेयर कीजिए जितना से जितना हो सके। मेरे जो अभी मैंने वीडियो एक अपना बनाया जो आपको ऊपर दिख रहा है, आप उसे भी विजिट करें और उसको भी देखें, अच्छा है। थैंक यू।